दोस्तों आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूजफुल कोई चीज़ है तो वह है इंटरनेट। बिना इंटरनेट के हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंटरनेट पे कुछ फेमस साइट है जैसे कि गूगल, यूट्यूब और फेसबुक, और इंटरनेट चलाते हुए भी हमने उस टाइप की वेबसाइट भी बहुत बार खोली होगी। अगर आप समझ गए तो मैं किस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। बट कुछ ऐसी वेबसाइट भी हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वे वेबसाइट क्या है और उन्हें क्यों बनाया गया है ये कोई नहीं जानता। और इस लिस्ट में कुछ ऐसी वेबसाइट भी हैं जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो वेबसाइट बताई हैं उन्हें आप मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए आपके पास पीसी हो या मोबाइल आप दोनों तरीके से इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसको देख के आपका दिमाग आपसे सिर्फ एक ही शब्द बोलेगा, कितनी बड़ी बात बताई। नंबर 5, omfgdocs.com। दोस्तों ये वेबसाइट क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई, इसका पर्पस तो मुझे नहीं पता। अगर आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपके सामने एक एनिमेशन फ्लैश होगी जिसमें बहुत सारे डॉग्स कंटिन्यूसली भाग रहे हैं एक ही लूप में, और इसके पीछे एक अजीब सा एनिमेशन चल रहा है जिसमें कुछ टेक्स्ट फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से भी देखें तो आप इन टेक्स्ट को ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। अब किसी ने ऐसी वेबसाइट क्यों बनाई और इसका पर्पस क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन देखने में ये काफ़ी कूल लगता है। अगर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें सर्च करना पसंद है तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर जाइएगा, ये काफ़ी ज़्यादा औसम लगता है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। कितनी बड़ी बात बताई। नंबर 4, ancientearth.com। दोस्तों ये वाली वेबसाइट मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है तो आपको इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप अर्थ की बहुत पुरानी पुरानी पिक्चर्स को देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने एक अर्थ का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप इसके कोने पे जाएंगे तो एक बार दिया हुआ है जिसमें टाइमलाइन दी गई है। आप 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, 700 मिलियन तक की फ़ोटोज़ को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उस ज़माने में हमारी अर्थ कैसी दिखती थी। मैं इस पे जाता हूँ और आपको 500 मिलियन तक की फ़ोटो दिखाता हूँ। मैंने इसके 500 मिलियन वाले टैब पे क्लिक किया तो आपने देखा कि कैसे खुल गया। अब मैं इसमें न्यू दिल्ली टाइप करूँगा तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसी पिक्चर शो होगी। आज से 500 मिलियन साल पहले हमारी धरती कुछ ऐसी दिखती थी। अब इस डायल को मैं सबसे पुराने दौर पर सेट करता हूँ, फिर देखते हैं हमारे पास क्या खुलता है। अब मैं इसको न्यूयॉर्क पर सेट करूँगा, देखते कैसी पिक्चर आती है। तो से ये है उस ज़माने का न्यूयॉर्क, करीब 700 मिलियन साल पहले का। पूरी लिस्ट में मुझे ये वाली वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हमें अलग चीज़ देखने को मिलती है। आई होप आपको ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। नंबर 3, zoomquilt.org। अगर आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इमेज खुलेगी जो कंटिन्यूसली मोशन में चलती रहेगी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली जूम होती रहेगी। ये कंटिन्यूसली इस तरह से जूम होगी कि आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। तो मैं आपको इसे फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जूम करके दिखाता हूँ। A few moments later. तो देखा आपने कितनी अमेजिंग चीज थी। हम घूम फिर के वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। आप बाकियों को ट्राई करें ना करें, लेकिन इस वेबसाइट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको सिंपली अपने डेस्कटॉप मोड पे खोल सकते हैं या फिर अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र से भी खोल सकते हैं। दोस्तों अब जो वेबसाइट दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। पिछली कुछ वेबसाइट तो काफ़ी अमेजिंग थी, लेकिन ये दोनों वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। नंबर 2, दोस्तों इस वेबसाइट का तो मैं नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर सकता, मैंने आपके सामने लिख दिया। अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ रैंडम आइकन्स आएंगे और कुछ टेक्स्ट आएंगे। अगर आप इन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ रैंडम पेजेस ओपन होंगे। देखिए मैं रैंडमली इस पेज पे क्लिक करता हूँ किसी भी कॉर्नर पे, तो मेरे सामने कुछ अलग अलग तरीके के टेक्स्ट आ रहे हैं।
अब मैंने रैंडमली इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ गीता की लाइनें आ रही हैं जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण का नाम लिया गया है। अब ये क्या चीज़ है और ये क्या मैसेज देना चाहता है ये मैं नहीं जानता। अगर आप इस वेबसाइट को ध्यान से देखें तो इस वेबसाइट में इन टेक्स्ट में कोई रिलीजियस मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मैं इसके आगे और क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक अजीब सी पिक्चर खुलती है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अजीब पिक्चर है। अब किसने ये वेबसाइट बनाई और इसका पर्पस क्या है ये मैं नहीं जानता। अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इस पे विजिट कर सकते हैं। नंबर वन, staggeringbeauty.com। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने एक वॉर्म जैसा क्रिएचर दिखेगा जो बिल्कुल ब्लैक कलर का है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे टैप करेंगे तो ये आपको फॉलो करता रहेगा। अगर आप राइट टैप करेंगे तो आपको राइट की तरफ फॉलो करेगा। अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ फॉलो करेगा। यहाँ तक तो ठीक है। अगर आप इसको तेज़ी से राइट और लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो देखिएगा ये कितना ज़्यादा वियर्ड हो जाता है। अब मैं इसको तेज़ी से हिलाने की कोशिश करता हूँ, देखिए आपके सामने कितनी अजीब अजीब ग्राफिक इमेजेस आएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ है। अब मैंने इसको छोड़ दिया है। अब आप देख सकते हैं कि वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई है। अब मैं इसको दोबारा एक और बार हिलाता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा कितनी अजीब अजीब ग्राफिक्स सामने आ रहे हैं। दूसरे हमारे लिस्ट की सबसे क्रीपी वेबसाइट में से एक थी। मुझे ये सबसे ज्यादा क्रीपी लगी इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा। इतनी बड़ी बात बताई। तो अगर आपने मेरी इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आपके लिए एक बोनस फैक्ट। अब मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूं जो इन बाकी वेबसाइट से बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। लिटरली ये वाली वेबसाइट तो मुझे सबसे ज्यादा क्रीपी लगी। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ऐसी अजीब चीज़ देखना पसंद है वही इस वीडियो पे बने रहें। तो हमारी जो अगली वेबसाइट है उसका नाम है superbad.com। अब मैं इस वेबसाइट को आपको खोल के दिखाता हूँ। मेरे सामने ये पेज आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक रैंडम पेज खुल गया है। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और इसके एक अलग सेक्शन पर जाता हूँ। अब देखिए मैं इस टेक्स्ट पर टैप करता हूँ, ये देखिए आपके सामने कुछ रैंडम पिक्चर्स आ गई। अब आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी जगह पे टैप कर रहा हूँ कोई ना कोई रैंडम चीज़ खुल जा रही है। वियर्ड तो ये चीज़ है कि इन फोटोज का कोई मीनिंग नहीं बनता। आप देख सकते हैं कितनी क्रीपी फोटोज हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन फोटोज का क्या मतलब हो सकता है और किसने इन फोटोज को किस मकसद से बनाया गया है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हर हफ्ते इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।